हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कहे तो से साजना, कहे तो से साजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया। आप अपने सिंगिंग को आगे किस तरह से ले जाना चाहेंगी? मैं अपनी सिंगिंग को आगे ले जाना चाहती हूँ, पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं इंटर कर लूँ अपना अच्छे से। इंटर करने के बाद म्यूजिक पे मेरा ज़्यादा ध्यान है, तो म्यूजिक सीखूँ। अभी तो मैं प्रभाकर की डिग्री कर रही हूँ, उसके बाद सोचा है कि मैं बनारस जाके संगीत सीखूँ, क्योंकि वो ज़्यादा संगीत में आगे है इस वजह से। तो मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, सिंगर बनने का मेरा सपना है कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन आज के ज़माने में कोई किसी की प्रतिभा को पहचानता नहीं है, तो अभी मंच ना मिल पाने के कारण अभी ज़्यादा कुछ नहीं मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन सोचा है कि काफ़ी आगे तक जाऊं। इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रही हैं? अभी तो मेरी तैयारी चल रही है कि मैं पहले अपने ज़िले में ही फेमस हूँ, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी घर बनेगा। तो पहले मैं अपने ज़िले में फेमस होना चाहती हूँ, फिर राज्य में हो जाऊँ, फिर स्तर में, तो तभी मैं वहाँ तक जा सकती हूँ, तभी मेरा जाना मुमकिन है, वरना मैं नहीं जा सकती, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मेरा परिचय हो। बचपन से आपके किस तरह के सपने थे? जी, बचपन में तो मेरा सपना था कि मैं अपने नाना की तरह IPS अधिकारी बनूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी हाइट नहीं है, तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे पापा सिंगिंग करते थे, जो कि उनका गुण मेरे अंदर है, तो सिंगिंग तो मैं बचपन से ही कर रही थी, लेकिन मैंने कभी टैलेंट दिखाया नहीं अपना। मैंने अपना टैलेंट जब मैं 5 क्लास में पढ़ रही थी, तब से मैंने अपना टैलेंट दिखाना चालू किया। फिर उसके बाद मुझे जब मैं 11 में आई तो मुझे DM सर मिले, उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, उसको समझा, तो उन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया। उनकी वजह से काफ़ी लोग मुझे बांदा के लोग जानने लगे हैं, मुझे लगा कि हाँ मुझे सिंगर बनना चाहिए। तो आपके पापा सिंगिंग करते हैं, तो उनका किस तरह का सपोर्ट रहा आपको? उनका तो देखिए कोई सपोर्ट नहीं रहा, उन्होंने वो तो ये भी बोलते हैं कि सिंगिंग मत करो, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है। मेरे नाना भी बोलते हैं कि जो जिसमें तुम्हारा ज़्यादा रुचि है तुम वो करो, तो मेरे नाना मेरे गाने के लिए मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मी भी मेरे लिए सपोर्ट करती हैं, और काफ़ी लोग भी मुझे देखते थे मेरे मोहल्ले में ही, काफ़ी लोग कि हाँ आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है, उसको आगे जाना चाहिए। तो फिर मेरे अंदर एक जुनून जागा कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया इसको, तो अभी तो काफ़ी मुझे लोग जानने लगे हैं, तो मेरा प्रयास यही है कि एक दिन मुझे पूरी दुनिया जाने। जी, अब तक तो मैंने यहाँ वहाँ गाया है, मैंने स्कूल की तरफ से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, मैं इलाहाबाद में गा चुकी हूँ, एक बार योगी जी आए थे तब वहाँ गई थी, इलाहाबाद में गा चुकी हूँ, और झांसी में गा चुकी हूँ, दतिया में गा चुकी हूँ, महोबा जा चुकी हूँ, और बांदा में तो कई बार गाया है। चुनाव पीरियड टाइम मुझे DM सर ने बुलाया था सिंगिंग के लिए, तो सर ने वहाँ मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसका प्रमाण पत्र मिला है मुझे, और SDM मैम ने मुझे दिए थे प्रमाण पत्र, प्रतियोगिता कराई थी, उस पर मेरा प्रथम स्थान आया था सिंगिंग पर क्लासिकल में, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और मुझे इलाहाबाद पर भी मिला था पुरस्कार। कभी आपने किसी ऑडिशन में भाग लिया, जैसे इंडियन आइडल का चलता है, या उसके लिए कभी आगे की तैयारी कर रहे हैं कहीं भाग लेने के लिए? जी, एक बार मैंने ऑडिशन दिया था, द वॉइस इंडियन का दिया था, तो वहाँ जाने पर पता पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा, सारा दिन वहाँ खड़ी रही मैं, और मैंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं था, सुबह से शाम हो गई थी मुझे ऑडिशन देते वक्त, तो जब मैंने ऑडिशन दिया वहाँ देखा कि वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, वैल्यू नहीं है गाने वाले की, तो मैंने फिर ठान लिया कि मैंने कहा आज से ऑडिशन नहीं दूंगी। फिर मेरे नाना ने बोला कि नहीं, हार नहीं माननी है,
सीखो फिर आगे देना। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे भी कुछ कमी होगी मेरे अंदर, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे और सीखना चाहिए। तो बस वही प्रयास में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, फिर उसके बाद जाके ऑडिशन दूँ। फूला ला दे तोहार झूला ना जाता ही ना जा छावा का बताई हो अब से जी आप मारे नहीं का जमरा नहीं बचावा। ये कहा था कि आपको बहुत रुचि है कि भोजपुरी में एल्बम बनाए। हाँ जी मैम, भोजपुरी गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इंटर के बाद अगर मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं भोजपुरी एल्बम बनाऊंगी। पहला एल्बम मतलब भोजपुरी होगा मेरा। मन कर सिलवट पे लोढ़ा से कोट दे जवानी रजो कौन सावत संग काटा तानी चानी लगा के मच्छरदानी रजो। मन कर सिलवट पे लोढ़ा से कोट दे जवानी रजो लगा के मच्छरदानी।